We thank you, Lord, for this beautiful day. And we glorify you, Lord. We glorify your name. For we know that you are the only God. We thank you, Father, for everything. And we honor you in the name of Jesus. Amen. हेलो, वेलकम एवरीवन। इस शाम को लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मायसेल्फ इवेंजेलिस्ट सोनिया छेत्री फ्रॉम ट्रू फ्रेंड चर्च, और आज आपके बीच में मैं कुछ खास परमेश्वर का वचन को लेकर आई हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे बीते दिनों में एक्सपीरियंस करवाया, बताया, इंस्पायर करवाया। तो उसी वचन के साथ में मैं इस शाम आप लोग के साथ में हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो ये लाइव टेलीकास्ट का लिंक है, फेसबुक से है, यूट्यूब से है, आप लोग जहाँ कंफर्टेबल है वहीं से होकर इस आप लोग देखिएगा और एंड तक देखिएगा। और इस लिंक को आप लोग शेयर कीजिए, अपना फ्रेंड्स, अपना फैमिली को भी आप लोग इन्वाइट कीजिए और उन्हें भी ब्लेस्ड होने का मौका दीजिए। तो इस समय हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस ब्रॉडकास्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम सब लोग आंखें बंद करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता यहोवा, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ ये समय प्रभु जो तूने हमें दिया है। परमेश्वर पिता, तेरे वचन को सुनने का, कहने का प्रभु, तेरे वचन के गहराई में जाने का परमेश्वर, जितने लोग भी प्रभु आज यहाँ ज्वाइन है परमेश्वर, तो उन सब को प्रभु समझ की आत्मा देने के लिए धन्यवाद, ताकि तेरा वचन को प्रभु समझ सके प्रभु और आशीषित हो सके परमेश्वर पिता, और वो सभी प्रभु तेरा आशीष का कारण बन सके परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं अपने सोच विचार को प्रभु मैं तेरे हाथों में रखती हूँ प्रभु, और तेरे ज्ञान बुद्धि, तेरे विजडम से होकर परमेश्वर पिता मैं इस समय प्रभु अपने आप को प्रभु तुझ पर देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, ये समय प्रभु मैं तेरे हाथों में रखते हुए इस प्रार्थना को मैं मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। तो चलिए हम लोग समय को नहीं गवाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और आई होप कि आप लोगों ने लिंक को शेयर कर चुका है, तो हम लोग आगे की ओर जाएंगे। तो जिस तरीका से जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम लोगों का अंदर में सोच विचार नाम का चीज़ है। आमेन। जैसे कि हम लोग सोचते हैं, जिस तरीके से हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है, जिस तरह से कॉइन का दो पहलू होता है, उसी तरह से जो भी चीज़ है वो हर एक चीज़ का दो पहलू है। इसी तरीके से सोच का भी दो पहलू है। जैसे कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, ये हम लोगों ने सुनते आया है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है अच्छा होता है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। लेकिन आज ना ही पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में और ना ही नेगेटिव थिंकिंग के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे थिंकिंग को मैंने दो भाग में बाड़ा है, मैं उस भाग के बारे में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। तो पहला है, जो पहला भाग है थिंकिंग का जो हमने कैटेगराइज किया है, वो फर्स्ट भाग है ओवर थिंकिंग, यानी कि क्या करना, ज़्यादा सोचना। आमेन, ज़्यादा सोचना। और जो दूसरा है वो है डीप थिंकिंग, या फिर तो थिंक डीपली। आमेन, यानी कि क्या करना, गहराई से सोचना। आमेन। शायद आप में से किसी ने पहले डीप थिंकिंग के बारे में सुना हो या फिर ओवर थिंकिंग के बारे में सुना हो, लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो सच में नया है और परमेश्वर की ओर से है। आमेन। तो
जब भी हम लोग ओवर थिंकिंग का बात करते हैं तो फिर शायद ही हमारे दिमाग में ये सवाल आता होगा कि क्या मसीही लोगों को या फिर तो क्या हम इंसान को ओवर थिंकिंग करना जरूरी है या फिर लोग क्यों ओवर थिंकिंग करते हैं। आमीन। हम लोग जहाँ पर भी सुनते हैं वहाँ पर हम लोग डीप थिंकिंग का बारे में बहुत ही कम सुनते हैं, लेकिन हम लोगों को चारों ओर से हम लोग यही सुनते हैं कि लोग ओवर थिंक करते हैं। आमीन। तो हम आपको बताना चाहता है ओवर थिंकिंग जो है वो आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है और ओवर थिंकिंग जो सही नहीं है। आमीन। क्यों? क्योंकि डीप थिंकिंग जो है, जब हम लोग डीप थिंकिंग के बारे में जानेंगे तो हम लोग ओवर थिंकिंग को क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग आपका लाइफ को ले सकता है। आमीन। हालेलुया। तो अभी हम आपको बताना चाहता है कि ओवर थिंकिंग क्या है। तो ओवर थिंकिंग का मतलब है जब आप किसी एक बात को लेकर सोचना शुरू करते हैं, किसी टॉपिक को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर जब आप सोचना शुरू करते हैं तो क्या होता है, आप लोग सोचते जाते हैं। हम ओवर थिंकिंग का बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग सोचते जाते हैं और क्या होता है, जब हम लोग एंड में आ जाते हैं तब क्या होता है, हम लोगों ने जिस बारे में सोचना शुरू किया था हमारा एंडिंग वो नहीं होता है, हम लोग किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा होता है और ऑल टुगेदर लास्ट में क्या होता है, हम लोग नेगेटिविटी जो वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। आमीन। और ऑन द अदर हैंड जब हम लोग डीप थिंकिंग का बारे में जानेंगे तो डीप थिंकिंग क्या है, जब हम लोग किसी एक बात को, किसी एक सिचुएशन के बारे में हम लोग सोचते हैं या फिर किसी एक वर्ड का बारे में हम लोग जब सोचना स्टार्ट करते हैं तो वो सोच हम लोगों को एक अमेजिंग राइड देता है। आमीन। राइड क्या बोलता है उसको, घूमने का मौका देता है वो सोच में। तब हम लोग क्या होते हैं, हम लोग उस सोच को हम लोग सोचते जाते हैं और उसके बाद में क्या होता है, जिस बारे में हम लोगों ने सोचना स्टार्ट किया था, डीप थिंकिंग क्या करता है, उस टॉपिक को, उस सिचुएशन को शार्प करते जाता है। और जब हम लोग एंडिंग में आते हैं तो शुरुआत में हम लोगों ने जो टॉपिक, जो बात को स्टार्ट किया था, वही बात को क्या करता है, वो शार्प करके और भी सुंदर तरीका से आपका सामने प्रेजेंट करता है। तो डीप थिंकिंग का जो क्या है, ये बेनिफिट है। आमीन। तो ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग को हम का जिस तरीका से दो डिफरेंसेस है, दो अलग अलग तरीका है, उसी तरह से इसके, इनके बीच में सिमिलरिटी भी है। तो ये सिमिलरिटी जो क्या है, हम ओवर थिंकिंग में भी और डीप थिंकिंग में भी हम लोग सोचते जाते हैं। आमीन। तो जब हम लोग सोचते जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग सोचते जाने से हम लोगों का माइंड का एक्सरसाइज होता है, लेकिन जब हम लोग ओवर थिंकिंग करते जाते हैं तो ओवर थिंकिंग जो हम लोगों का जो सोचने का लेवल है, सोचने का लेवल का मतलब, हम लोग पहले इतना सोचते थे और अभी हम लोग इतना सोच रहे हैं, ये वाला लेवल नहीं, लेकिन पहले हम लोग इतना शार्प था लेकिन अभी हम लोग इतना शार्प हो गया है, हम वो वाला लेवल का बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग सोचते जाता है तो ओवर थिंकिंग जो क्या करता है, हम लोगों का सोचने का लेवल को डिक्रीज कर देता है और हम लोग तब इंटेलिजेंट वाला, हम लोग तब इंटेलिजेंट वाला सोच को नहीं सोच सकता है। आमीन। हम लोगों को वो ओवर थिंकिंग जो क्या कर देता है, शार्पन माइंड को डल बना देता है, लेकिन डीप थिंकिंग जो क्या करता है, आपको गहराई में लेके जाता है और उसके बाद में क्या करता है, आपका जो शार्पन माइंड था इसको और भी शार्प बना देता है और आपको और भी इंटेलिजेंस बना देता है और भी बेहतर तरीका से सोच सकने वाला आपको बना देता है। आमीन। तो हम लोग बचन से भी कुछ इस बारे में हम लोग देखेंगे कि बचन में बहुत जगह में हार्ट का बात किया गया है। और देखिए, जो हम लोगों का सोच विचार है वो, इट्स ऑल अबाउट आवर माइंड, आवर हार्ट, ऑल टुगेदर इट्स अबाउट आवर सोल। आमीन। हम लोग क्या करता है, हम लोग सोचते जाता है। तो हम लोग अभी लेट नहीं करते हुए हम लोग कुछ बाइबल वर्ड से होके जाएंगे, हम लोग स्क्रिप्चर से होके जाएंगे जहाँ पर बचन में हार्ट को गार्ड करने का बात किया है और
अच्छे बातों में अपना मन लगाने का बात किया गया है, हम लोग इस सब को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 1-2 इससे हम लोग कुछ देखेंगे, लेकिन इसमें जाने से पहले हम चाहता है कि आप लोग प्रोवर्ब्स में हम लोग चलेंगे। तो प्रोवर्ब से हम खुद ही आपको पढ़ के सुना देना चाहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 एंड वर्स 23। इसमें लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमेन, आमेन। क्या कहा गया है? कीप thy हार्ट विथ ऑल diligence, डिलीजेंटली। डिलीजेंस से क्या करना है? अपना हार्ट को क्या करना है? गार्ड करना है। आमेन। कोई ट्रांसलेशन में गार्ड योर हार्ट बोला गया है, फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। आमेन। क्योंकि आपका हार्ट ही है जो क्या करता है, आपका मन ही है, आपका वो सोच विचार ही है क्या करता है, आपका लाइफ को एक्सटेंड भी कर सकता है और आपका लाइफ को कम भी कर सकता है। आमेन। तो उस हार्ट को क्या करना है, हम लोग क्या कहा गया है, हम लोगों को उस हार्ट को कीप करके रखना है, गार्ड करके रखना है। जब हम लोग सही सिरे से हम लोग सोचते जाता है तब क्या होता है, हम लोगों का माइंड जो शार्प होते जाता है और हम लोगों का शरीर में अच्छा रिजल्ट दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छा सोच विचार कर रहा था, हम लोग किसी चीज का बारे में हम लोग डेस्परेटली जानने का कोशिश कर रहा था, लेकिन किस तरह से, डीप से सोचकर, गहराई से सोचकर। लेकिन अगर आप सही सिरे से नहीं सोच रहे, लेकिन उस टॉपिक को अगर आपने पॉइजन बनने का मौका दे दिया, तो क्या होगा, वो पॉइजन आपका जान ले लेगा एक दिन। आमेन। कैसे? उस बारे में हम लोग ओवरथिंक करके, एक बात से स्टार्ट हुआ, आप लोग उसको सोच रहा है, लेकिन वो सोच आपको एक ऐसा राइट दे रहा है, आप जहाँ से शुरू हुआ था आपको वहाँ पर लेकर वो नहीं रख देता है, लेकिन ले जाता है और आप दूसरे जगह से होकर आता है, और उसके बाद में क्या होता है, नेगेटिविटी वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, और वो नेगेटिविटी क्या होता है, लोगों का जान को ले जाता है, आप और हमारा जान को ले जाता है। तो क्या है, हम लोगों को ओवरथिंक नहीं, लेकिन हम लोगों को डीपली थिंकिंग में ज़्यादा फोकस करना है। आमेन। आजकल बहुत ही ऐसा चल रहा है, लोग ओवरथिंक करता है, उसके बाद में लोग डिप्रेशन में चला जाता है। देखिए, डीप थिंकिंग कभी भी आपको डिप्रेशन में लेके नहीं जाएगा, ना ही एंजाइटी में, लेकिन जो आपका ओवरथिंकिंग का जो हैबिट है, वो डैम श्योर आपको डिप्रेशन में लेके जा सकता है। मींस ये 100% श्योर है, ओवरथिंक जब आप करेगा तो आप डिप्रेशन में चला जाएगा, आपका माइंड सही तरीका से काम नहीं करेगा, आप सेंसलेस हो जाएगा, उसके बाद आप लोग सोच लीजिए क्या होगा। आमेन। तो हम लोग अभी हम लोग नेक्स्ट वर्ड्स को देखेंगे, प्रोवर्ब्स का ही हम लोग 5 और 6 को हम लोग देखेंगे। प्रोवर्ब्स, आई एम सो सॉरी, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 5 एंड 6। तो ये भी हम आप लोगों के लिए पढ़ के सुना देना चाहता है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन। Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Amen. तो हमें जब हम लोग यहाँ पर भी हार्ट का बात आया है, तो यहाँ पे भी क्या कहा गया है कि जब हम लोग यहोवा पे भरोसा करते हैं, तो हम लोगों को अपना पूरा हृदय से यहोवा पर क्या करना है, भरोसा करना है। आमेन। तो आप लोग सोच रहा होगा कि थिंकिंग का साथ में इसका क्या रिलेशन, लेकिन जब हम लोग कंक्लूजन में आएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि हम क्यों ये सब बात आप लोगों को बता रहा है। आमेन, आमेन। तो अभी और कुछ चीज़ हम आपको बताना चाहता है, जो ओवरथिंकिंग है, ये क्या करता है, हम लोगों का शरीर में तो हम लोगों को नुकसान पहुंचाता ही है, लेकिन
अगर हम लोग अपना स्पिरिचुअल लाइफ का बात करें तो ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग वहाँ पर भी काम कर रहा होता है. ओवर थिंकिंग क्या करता है, हमारा जो परमेश्वर का, परमेश्वर में जो हम लोगों का फेथ है, हम लोगों का जो भरोसा है परमेश्वर को वचन में, हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंट लेवल से हम लोग परमेश्वर में स्टैंड होता है उनका वचन पर, ओवर थिंकिंग उस फेथ को डिस्ट्रॉय कर देता है. आमेन. और ऑन द अदर हैंड, जब आपका जो डीप थिंकिंग है किसी भी चीज को लेकर, जब आप गहराई से जानता है तो वो चीज जो आपको कहां पर लेके जाता है, परमेश्वर में लेके जाता है. आमेन. परमेश्वर का वचन में आपको और भी स्ट्रांग बनाता है वो. क्यों? क्योंकि हर एक चीज का, जितना आप डीप में जाएगा, जितना आप डीप में जाते रहेगा, तो वहां पर आपको परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ में सिमिलरिटी आपको मिलेगा. आमेन. यानी कि जो आपका ओवर थिंकिंग है वो क्या करता है, आपका परमेश्वर के तरफ साथ में जो आपका परमेश्वर के साथ जो आपका बिलीव है, क्या करता है, वो चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है. और आपको क्या करता है, संसार के साथ में आप उसके बाद में क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, आप पिघल जाता है और संसार में आप क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है आपका ओवर थिंकिंग का वजह से. क्योंकि आप जब ओवर थिंकिंग करेगा तो आपको हर चीज आपको लॉजिक लगने लग जाएगा, हर चीज आपको क्या लगने लग जाएगा, बेकार लगने लग जाएगा. आमेन. ओवर थिंकिंग ये सब चीज को क्रिएट कर सकता है. लेकिन जो डीप थिंकिंग है वो क्या होता है, आप सोचते जाता है और वो क्या करता है, आपको परमेश्वर का वचन में आपका एंडिंग करेगा आपको. आमेन. आमेन. तो हम लोग कोलोशियंस चैप्टर 3 का 1 और 2 को बहुत ही ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे. कोलोशियंस अगर आप लोग के हाथ में बाइबल है तो आप लोग भी खोल कर देख सकता है और पढ़ सकता है मेरे साथ में. तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कोलोशियंस चैप्टर 3:1-2. इफ देन यू वेर रेज्ड विद क्राइस्ट, सीक दोज थिंग्स व्हिच आर अबव, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Amen. अपना माइंड को कहाँ पे सेट करो, जो अबव में जो चीज है. Amen. अबव में, ऊपर में. Amen. परमेश्वरीय बातों में, अगर आप हम लोग कहे तो परमेश्वरीय बातों में अपना माइंड को सेट कीजिए, ना कि जो बातें अर्थ में है उन बातों में. आमेन. यहाँ पे वचन क्लियरली बोल रहा है कि जो चीज स्वर्गीय है, ईश्वरीय है, उस बातों में अपना माइंड को सेट कीजिए, उस बातों पर सोच विचार कीजिए, उस बातों पर ध्यान लगाइए, उस बारे में सोचते रहिए, ना कि उन बातों में जो अर्थ में, अर्थ से रिलेटेड है. आमेन. आमेन. तो हम लोग यहाँ से हम लोग एक पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेगा. तो परमेश्वर ने वचन में भी, हम लोग जो न्यू टेस्टामेंट है वहाँ पर हम लोग देख सकता है कि परमेश्वर ने जो साइमोन था उसको कहा था कि, हम लोग उस वर्स में जाएंगे, हम लोग लुक चैप्टर 5 एंड वर्सेस 3, 4, 5 and 6 में हम लोग देखेंगे. तो यहां से हम आप लोग को कुछ छोटा सा एक बात बताएगा, उसके बाद में हम लोग एंड करेगा इस सर्विस को, ये लाइव ब्रॉडकास्ट को. लुक चैप्टर 5 वर्सेस 3, 4, 5 and 6. यहाँ पे क्या था, 4 फिशरमैन वहां पर क्या कर रहा था, मछली पकड़ रहा था. तो 3 से हम लोग पढ़ेंगे. देन ही मतलब जीसस गॉट इनटू वन ऑफ द बोट्स विच वॉज साइमोन्स
and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. ईशु क्या हुआ, नाव में चढ़ा, उसके बाद में क्या उसने क्या किया, वहां पर बैठा और वहां पर जो भीड़ था उसको शिक्षा देने लगा वहां पर, यीशु मसीह, आमेन। उसके बाद 4 में देखेंगे, नाउ व्हेन ही हैड स्टॉप स्पीकिंग ही सेड टू साइमन, जब यीशु मसीह बोलते गया उसके बाद में जब वो रुका तो उसने साइमन को क्या कहा, चलिए हम लोग देखते हैं, लॉन्च आउट इन टू द डीप, आमेन। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, लॉन्च आउट इन टू द डीप एंड लेट डाउन योर नेट्स फ्रॉम फॉर अ कैच, आमेन। अपना जाल को क्या करो, गहराई में फेंको। वो जो वहाँ पे जो समुद्र था उसका उसने एक पार्ट दिखाया जो समुद्र का गहराई पार्ट था, और उसने क्या कहा, अपना जाल को उस गहराई में फेंको और क्या करो, वो मच्छी पकड़ने के लिए उस जाल को वहाँ गहराई में फेंको, आमेन। हम लोग हिंदी में पढ़ देगा, अगर किसी का पास में हिंदी है तो हम लोग 4 को देखेंगे, वर्स नंबर 4। जब वे बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल, आमेन। नाव को गहरे में लेके गया और उस गहरे में क्या किया, जाल को डालने के लिए दिया। उसके बाद में क्या हुआ, देखिए 5 में, बट साइमोन आंसर्ड एंड सेड टू हिम, मास्टर, साइमोन ने लेकिन क्या कहा, मास्टर वी हैव टॉइल्ड ऑल नाइट एंड कॉट नथिंग, नेवरथलेस एट योर वर्ड आई विल लेट डाउन द नेट। गुरुजी, उसने क्या कहा, गुरुजी पूरा रात हम लोग यहाँ पर रहा और हम लोगों ने मछली पकड़ने का कोशिश किया, हम लोगों ने ट्राई किया लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, आमेन। आजकल लोग क्या कर रहा है, अपना दिमाग अपना बुद्धि को लगा के क्या कर रहा है, सोच विचार को कर रहा है, अपना दिमाग लगाकर ऐसे करने से होगा, वैसे करने से होगा, ये करेगा, जैसे कि सोच कर पूरा दुनिया जीत लेगा आदमी, आमेन। ओवरथिंक करके जैसे कि आदमी पूरा दुनिया जीत लेगा, सोच रहा है ये ऐसे करेगा। लेकिन साइमोन ने वहां पर क्या किया, लेकिन फिर भी तुम कह रहा है तो हम नेट को डालेगा वहां पे, आमेन, हम जाल मार के देखेगा हम, आमेन। उसके बाद में क्या हुआ, 6 में देखिए, एंड व्हेन दे हैड डन दिस, उसके बाद उन लोगों ने जब ऐसा किया, कैसा किया, गहरे में ले जाकर जब उन लोगों ने जाल मारा तब क्या हुआ, दे कॉट अ ग्रेट नंबर ऑफ फिश एंड देयर नेट वॉज ब्रेकिंग, तब उन लोगों ने बहुत सारा मछलियों को वहां पर पकड़ा, आमेन। और क्या हुआ, इतना ज्यादा मछली को पकड़ा कि उन लोगों का नेट भी फट गया वहां पर, आमेन। तो मेरा बात वो नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहता है, वहां पर जो मछुआरे लोग थे, जो मछुआरा था वहां पर, उन लोग क्या कर रहा था, सारा रात वहां पर टॉयल कहा गया यहाँ पर, दे टॉयल ऑल द नाइट, आमेन। तो टॉयल का जो असली मीनिंग है वो क्या है, धीरे से मूव करना विथ डिफिकल्टी, आमेन। बहुत ही डिफिकल्टी मतलब बहुत ही मेहनत से या फिर बहुत ही मुश्किल से धीरे धीरे मूव करना, आमेन। टॉयल का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से लेकिन धीरे धीरे मूव करना, आमेन, आमेन। तो ओवरथिंकिंग आपको डिफिकल्टी रास्ता से होकर लेके चला जाता है, आमेन। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आप अपना सोच विचार यूज़ कर रहा होता है और आप लोगों को वहाँ पर हमें कुछ भी एंड नहीं मिलता है, जिस बात को हम लोग जानना चाहते हैं वहाँ पर नहीं मिलता है, आमेन। लेकिन उन लोगों ने पूरा रात वहाँ पर क्या किया, रुका और मछली मारने का कोशिश किया, वो लोग इतना थक गया था, लास्ट में उन लोग नेट धो रहा था कुछ भी नहीं मिलने का वजह से, लेकिन यीशु वहां पर आया, वहां पर शिक्षा देने लगा और साइमन को इंस्ट्रक्ट किया कि गहरे में नाव लेके जाओ, वहां पर जाल मारो, और जिस तरह से उन लोगों ने किया तो उन लोगों को क्या हुआ, ग्रेट नंबर ऑफ फिश उन लोगों को वहां पर मिला, आमेन। तो जब हम लोग ओवरथिंक करता है तब क्या होता है, वी कॉट नथिंग, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, आमेन।
पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस एंड दैट, लोग ढूंढ रहा है इस चीज के लिए उस चीज के लिए, लोगों का दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चंस है। लेकिन देखिए माय डियर, हम आप लोगों को बताना चाहता है कि आपका जो ओवर थिंकिंग है, जो ओवर थिंक करने का जो हैबिट है, वो आप लोगों को वो चीज कभी दे ही नहीं सकता है जिस चीज का, जिस जो चीज आपको चाहिए। आमेन। लेकिन जब पर जब यीशु का इंस्ट्रक्शन मिलके उन लोगों ने जब गहरे में जाल फेंका, उन लोगों ने ओवर काम करने को छोड़कर जब उन लोगों ने डीप काम करने को सोचा, तब क्या हुआ, उन लोग मछली ढूंढ रहा था वहां पर, और उन लोगों को सिर्फ मछली नहीं लेकिन ग्रेट नंबर ऑफ फिश वहां पर उन लोगों को मिला। आमेन आमेन। तो इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप ऊपर 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 काम करो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप गहराई में जाके काम करो। आमेन। गहराई में आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। आमेन। जैसे कि आपको मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मोती जो होता है समुद्र में, वो मोती आप लोगों को नीचे गहराई में गोता खोर लोग नीचे गहराई में जाने से उन लोगों को मिलता है, ऊपर ऊपर आके नहीं बैठता है वो जैसे तैसे, नहीं तो पूरा समुद्र का आमने सामने वाला आदमी क्या हो जाता, अमीर हो जाना था। आमेन। लेकिन जो मोती का बिजनेस करता है, वह जो गोताखोर को उन लोग यूज करता है, उन लोगों को क्या करना पड़ता है, गहरे पानी में जाना पड़ता है। आमेन। ऊपर ऊपर का पानी में भी नहीं है, लेकिन कहां पर, गहराई में उन लोगों को क्या करना पड़ता है, डुबकी मारना पड़ता है, उन लोगों को ढूंढना पड़ता है। आमेन। तो डीप जाने से आपका वो फायदा है, क्या फायदा है, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। आमेन। थिंकिंग इज नॉट बैड, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन ये बात पर डिपेंड करता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहा है या आप अपने आप को डीप में लेके जा रहा है। आमेन आमेन। तो देखिए ऐसा बहुत चीज़ है जो हम लोग अपना डेली लाइफ में कर रहा होता है, लोग जिस चीज़ से संघर्ष कर रहा होता है, आंसर वहीं पर होता है, लेकिन हम लोग उसको डिसर्न नहीं कर पाता है। लेकिन हम आपको बताना चाहता है कि आंसर हम लोग जो चीज़ को हम लोग फेस करके जा रहा होता है, हम लोगों का आंसर वहीं पर होता है, हम लोगों को बहुत ही सेंसिटिवली उसको निकालने का ज़रूरी होता है। आमेन। लोगों का अभी का टाइम में बहुत आदमी इस चीज़ से गुजर रहा है, ओवरथिंकिंग से गुजर रहा है। ओवरथिंकिंग क्या को दर्शाता है, आप चिंता करता है इस बात को दर्शाता है। आमेन। ओवरथिंकिंग क्या का रिजल्ट है, आपका वरी होने का रिजल्ट है। क्या आपको नहीं पता वचन में लिखा गया है कि डू नॉट वरी अबाउट टुमारो। आमेन। कल के लिए चिंता मत करो, कल के लिए खुद कल ही चिंता कर लेगा। आमेन आमेन। चिंता नहीं करना है हम लोगों को, जब आप वरी होता है तब क्या होता है, ओवरथिंकिंग आता है, और ओवरथिंकिंग आपको एंजाइटी में लेके जा सकता है। आमेन। और एंजाइटी क्या कर सकता है, आपको एंजाइटी में आपको ले जाएगा, और जिस एंजाइटी में आप पहुंचेगा वो आपका जान को ले जाएगा। आमेन। ओवरथिंकिंग हमेशा आपको दर्द देगा, लेकिन जो डीप थिंकिंग है आपको पीस के साथ उसका एंड होगा। आमेन आमेन। प्रोवर्ब्स में कहीं पर लिखा गया है कि एक चीयरफुल हार्ट जो गुड मेडिसिन है। आमेन। एक जो चीयरफुल हार्ट है वो एक गुड मेडिसिन है। तो गुड मेडिसिन क्या करता है, आपका हेल्थ को बनाता है। जब आप चिंता करके, जब आप चिंता करता है तो क्या होता है, वो आपके लिए पॉइजन का काम कर सकता है। हमने जैसे शुरुआत में भी आपको बताया था, ओवरथिंकिंग आपका लाइफ को शॉर्ट कर सकता है। आमेन। लेकिन जो आपका डीप थिंकिंग है वो आपका लाइफ में हेल्थ को ऐड करेगा। आमेन आमेन। इसीलिए हम विश करता है आप लोगों को कि आपका पूरा हफ्ता बहुत ही अच्छा जाए, और गुड थिंकिंग का साथ में, मेरा मतलब है कि डीप थिंकिंग का साथ में आप लोग अपना डेली लाइफ को बिताइए। डीप थिंकिंग आपको, आप परमेश्वर का वचन में होकर सोचिए। जब आप परमेश्वर का वचन में होकर सोचेगा, जब आप डीप जाने का डिज़ायर को रखेगा, तो आपको आंसर मिलेगा, और हर एक सवाल का आंसर होता है। आमेन। लेकिन ओवरथिंकिंग का जो हैबिट है उसको आप लोग जल्द से जल्द त्यागने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ओवरथिंकिंग सच में भलाई को उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन डीप थिंकिंग जो आपके लिए सही है। तो हम ये फोर्सफुली आपको नहीं बोल सकता है, लेकिन जो कुछ भी हमने आपको इस समय बताया,
उस चीज को सोचिए आप लोग, मेडिटेट कीजिए इस बात के बारे में, सोच के देखिए अगर आपको ये बात सही लगता है तो इस चीज को फॉलो कीजिए, तो आप लोग सच में आपका सोचने का तरीका जब आप चेंज करेगा तो आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा। आमीन। आप लोग एक हेल्दी लाइफ को जी सकेगा और एक खुश लाइफ को जी सकेगा, एक स्ट्रेसलेस लाइफ को आप लोग जी सकेगा। आमीन। तो इतना ही था जो हमको आपसे आप लोगों को शेयर करना था। तो आई होप कि आप लोगों ने इस लाइव टेलीकास्ट को इन्जॉय किया। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि आज क्यों हमारा पास्टर लाइव में नहीं है, तो हम आपको बस बताना चाहता है वो आउट ऑफ स्टेशन है, किसी मीटिंग से वो बाहर गए हुए हैं। तो आप लोग भी मतलब अभी वो रिटर्न होने का टाइम हो रहा है, तो फिर इसीलिए इस हफ्ता हम आप लोग के बीच में आया है। तो आप लोग भी उनका जर्नी के लिए आप लोग थैंक्स दीजिएगा, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, ताकि वो सही सलामत अच्छे से मीटिंग को कंप्लीट करके वापस आ जाए। तो ये समय हम लोग प्रार्थना करेगा कि हम लोग सही तरीका से हम लोग सोच विचार को कर सके और हर एक चीज़ में हम लोग जो परमेश्वर का इच्छा है उसको हम लोग जान सके। आमीन। तो चलिए हम लोग प्रार्थना के साथ में इस सर्विस को हम लोग एंड करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ जो बात को प्रभु तूने आज हमें नॉलेज होने के लिए दिया परमेश्वर, तूने आज हमें जानने के लिए दिया परमेश्वर, उस चीज़ में प्रभु हम लोग अमल कर सके और हम लोग परमेश्वर पिता सच में प्रभु हम लोग ज़्यादा सोचना नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन हम लोग गहराई से सोच कर प्रभु रिजल्ट को पा सके परमेश्वर पिता, और इस चीज़ को करने के लिए प्रभु तू हमें स्ट्रेंथ दे ताकि हम इसे कर सके प्रभु, और परमेश्वर हर एक बातों में प्रभु हम तुझे धन्यवाद दे सके परमेश्वर। आज हमारे बीच में प्रभु जितने भी ज्वाइन है परमेश्वर पिता, मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक प्रभु आज आशीषित हुआ है परमेश्वर पिता। धन्यवाद उनके जीवन का तरीका को, जीवन जीने का तरीका को प्रभु तो चेंज करने के लिए प्रभु, ताकि वो सभी प्रभु एक आशीषित लाइफ को परमेश्वर पिता जी सके और परमेश्वर तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु, मैं तेरा सुरक्षा को बोलती हूँ परमेश्वर पिता, वो जो भी करते हैं जो भी काम है प्रभु उनके हाथ के कामों में आशीष करने के लिए प्रभु धन्यवाद, और जितने भी बच्चे हैं उनको परमेश्वर पिता पढ़ाई लिखाई में प्रभु तेरा ज्ञान बुद्धि देने के लिए प्रभु धन्यवाद, वो जहाँ भी जाते हैं प्रभु तेरा स्वर्गदूत का प्रोटेक्शन हमेशा प्रभु उनके पीछे रहे परमेश्वर पिता, और उनका पूरा हफ्ता परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हुए जाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु और उत्तर दिया है, और इस प्रार्थना को प्रभु हम मांगते हैं तेरा एक मात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो अभी लास्ट अभी एंड का समय है, तो फिर हम फिर भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता है, अगर आप लोग फेसबुक में हैं तो यूट्यूब में जंप कीजिए, अगर आप लोग जितना भी फेसबुक में नया है हम वेलकम करता है आपको, वीडियो को अगर आप लोगों ने बीच से देखा है तो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और उसके बाद में यूट्यूब में आप लोग जंप कीजिए, और जो हम लोगों का ट्रू फ्रेंड टेलीविज़न यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि इस जरिया से जो हम लोग परमेश्वर का काम कर रहा है वो और भी एक्सटेंड हो सके। आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका रेस्पॉन्स हम लोगों को मोटिवेट करता है, हम लोगों को इनकरेज करता है, तो आपका जो लाइक शेयर है, आपका जो कमेंट है, जो रेस्पॉन्स है, हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेशियस है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन हमको बियर करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करें। थैंक यू।